तो एडवांस एक्सेल की कोर्स डिटेल्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com को लॉगिन करना होगा। तो iptindia.com में मेरे पास दो तरह की क्लासेज है, एक हमारी लाइव क्लासेज है जो वीडियो, दूसरी वीडियो क्लासेज है, मतलब एक जूम ऑनलाइन क्लासेज है, दूसरा हमारे पास वीडियो क्लासेज है। जूम क्लासेज जो भी आप मेरे साथ कनेक्टेड है हर चीज़ को समझ रहे हैं, और वीडियो क्लासेज में क्या होता है कि वीडियो कोर्स होती है जिसको वीडियो क्लासेज के जरिए सीखना होता है। तो फिलहाल हम लाइव क्लासेज मतलब कि जूम क्लासेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। और आपने बात की है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, हालांकि मेरे पास एक वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का भी कोर्स है, लेकिन वीवीए आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, पहले आप एडवांस एक्सेल सीखें फिर वीवीए पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे पास बेसिकली दो तरह के कोर्स है, एक हमारा एक्सपर्ट लेवल है, दूसरा हमारा फास्ट ट्रैक लेवल है। एक्सपर्ट लेवल में हर एक चीज डिटेल में और लाइव प्रोजेक्ट के साथ और लाइव एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, और फास्ट ट्रैक में आपको हम जस्ट 5-6 घंटे में पढ़ा देते हैं, मोटा मोटी एक्सेल आपको पढ़ा देते हैं, राइट सर? तो फिलहाल हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, एक्सपर्ट लेवल की, फास्ट ट्रैक को छोड़ते हैं। तो एक्सपर्ट लेवल में आपको यहाँ पे बेसिक एडवांस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे इसके कोर्स के कुछ हाइलाइट्स है। एडवांस एक्सेल, एक्सेल ऑफिस एनवायरनमेंट, एमएस एक्सेल 2019 एंड 365 के सारे मेनू कमांड, रिपोर्ट फॉर्मेट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुलाइजेशन, मोर देन 300 फॉर्मूलेज, एडवांस फॉर्मूला ट्रिक्स हो गया, एरे फॉर्मूला हो गया, डेटा कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी, डायनेमिक चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट ऑटोमेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कोर्स में आपको क्लास की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल एंड फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी है। अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं हर एक चीज़, तो आपको डाउनलोड डिटेल इन पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि क्या है इसमें, ठीक है सर? आपको ए आपका मंडे टू ए आपका मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास होती है। अब 1 आवर डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल, कैचिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्ब कैपेसिटी और क्वेश्चंस के ऊपर। 1 घंटा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ड्यूरेशन एवरेज होता है हमारा। ठीक है, ठीक है जी। फीस आपकी 7500 है, 1 से 3 लोग एक बैच में होते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस चलती है। इस बीच का कोई 1 घंटे का बैच आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सुटेबल है, मेरा फ्री है। और टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसमें, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा जो टॉपिक हो। 9 चैप्टर्स के अंदर में है और इसमें हम एक्सेल के सारे इनबिल्ट फीचर को कवर करने की कोशिश किया। ओके, हम बात करते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है। क्या एडवांस एक्सेल कोई अलग टॉपिक है, अलग सॉफ्टवेयर है, या एक्सेल की कोई अलग मेनू बार है? देखिए, एडवांस एक्सेल जो है ना, कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई अलग सॉफ्टवेयर है, ना कोई अलग मेनू बार है। एक्सेल की जो फीचर्स है उसी का यूज हम एडवांस एक्सेल को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, यहाँ पे मैंने 30 लिखा है। हमने 20 को उठाया और 30 के ऊपर पेज कर दिया, तो 30 20 से रिप्लेस हो गया, राइट? या इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 30 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐड करें तो ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट यहाँ पेस्ट होगा। मतलब कि मैं ओके करूँगा तो 30 20 50 50 यहाँ पेस्ट होगा। तो आपने अभी सीखा कि आप कहीं से कॉपी करो और कहीं भी पेस्ट करो, पेस्ट स्पेशल में आप ऑपरेशन के अंदर में जो सिलेक्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, वो ऑपरेशन होगा, मतलब कि वो कैलकुलेशन होके पेस्ट होगा, राइट सर? ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब कोई ट्रेनर या आपको सिखाएगा, लेकिन कोई वर्किंग प्रोफेशनल या मेरे जैसा लोग है उसको कुछ इस तरह से सिखाएंगे। सबसे पहले हम समझाएंगे आपको परसेंटेज के बारे में कि अगर मुझे 20% लिखना है तो 20% का सैंपल देना हो, राइट?
अगर मैं 20 लिखा यहाँ पे 20 डाला और फिर परसेंट का सैम्पल दिया यहाँ होम में जाके, तो क्या होगा? 2000%। मतलब एक्सेल में 1=100% होता है। तो मुझे बाद में अगर परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो क्या करना होगा, हमें टाइप करना होगा 0.20, तब जाके मैं परसेंट का सिंबल लगाऊंगा तो 20% हो जाएगा। अब मेरे कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे, तो परसेंटेज का वो हेडिंग दे देते थे हमें। परसेंटेज का हेडिंग देने के बाद यहाँ मुझे डेटा मुझे भेजते थे, राइट सर? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जहाँ यूज करना है वहाँ पे 25% चाहिए। मतलब अगर 500 का 25% निकालना है, अगर 25% फॉर्मेट में है तो जस्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन 25 नंबर में हुआ तो मुझे अगर मल्टीप्लाई मैंने किया तो फिर रिजल्ट गलत आएगा, तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करके यहाँ डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। अब मैं जहाँ इस डेटा को यूज करना जा करने जा रहा हूँ वहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ए वाला लगा हुआ है, और मुझे ऐसे 8-10 लोगों को डालना पड़ता है, बाकी जो लोग हैं मुझे सही भेजते हैं, बस एक ही स्टाफ है जो मुझे इस तरह से भेजता है, तो मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता हूँ। अब इसको परसेंटेज में कैसे कवर करें? तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप डबल क्लिक करें और उसमें परसेंटेज का सिंबल डालते चले जाएं इस तरह से, क्या सर? देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी जॉब हो जाएगा ना सर। तो यहीं पे हम अपना एक एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। हम किसी एक सेल पे 100 टाइप कर देंगे यहाँ पे, और फिर इस 100 को हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ डिवाइड करेंगे। मतलब हर नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में हो जाएगा, क्या सर? अब से एक चीज सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा, तो मेरे क्लासेस में आपको इसी तरह के ट्रिक्स मिलेंगे, राइट? हाँ जी हाँ जी।